बंगाल में महिला पर अत्याचार किसी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बंगाल में क्यों ऐसा हो रहे हैं? चुनाव हो चुके हैं, चुनाव के नतीजा निकल चुके हैं, सत्तारूढ़ पार्टी की बहुत सारे सीट में जीत हासिल चुके हैं, फिर किसके खिलाफ ये प्रतिहिंसा बरतने की जरूरत होते हैं मुझे पता नहीं। सारे देश में हर जगह चुनाव हुए हैं, लेकिन कहीं इस तरीके की कानून और व्यवस्था की बुरा इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं जो बंगाल में हो रहे हैं। एक महिला चाहे जो जिस पार्टी के भी क्यों ना हो, उससे अत्याचार करने के कोई अधिकार किसी को नहीं है। देखिए, कोई भी महिला हो, चाहे आदिवासी हो आदिवासी ना हो, बंगाल में महिला पर अत्याचार किसी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सिर्फ बंगाल में नहीं, हिंदुस्तान में कई जगह महिला पर अत्याचार किसी हालत में कोई समर्थन नहीं दे पाएंगे। बंगाल में क्यों ऐसा हो रहे हैं? चुनाव हो चुके हैं, चुनाव के नतीजा निकल चुके हैं, सत्तारूढ़ पार्टी की बहुत सारे सीट में जीत हासिल चुके हैं, फिर किसके खिलाफ ये प्रतिहिंसा बरतने की जरूरत होते हैं मुझे पता नहीं। ये राजनीतिक प्रतिहिंसा सारे देश में चर्चा के मुद्दे बन गए हैं। सारे देश में हर जगह चुनाव हुए हैं, लेकिन कहीं इस तरीके की कानून और व्यवस्था की बुरा इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं जो बंगाल में हो रहे हैं। एक महिला चाहे जो जिस पार्टी के भी क्यों ना हो, उससे अत्याचार करने के कोई अधिकार किसी को नहीं है। पुलिस वालों ने लीपापोती करने के लिए इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने की हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब यही है, हमारा यही मांग होगी कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। मेरा दलील ये है कि बंगाल में चुनाव हो चुके हैं, अभी शांति चैन की जरूरत है बंगाल को और बंगाल की जो सत्तारूढ़ पार्टी उनकी सरकार को इस मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए, यही मेरी ये सरकार से मांग है।